सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने कांतारा मूवी नहीं देखी हुई है तो आई विल हाईली रिकमेंड इट। काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन। अब अगर आपने देख लिया है या फिर आप अपने लिए मूवी स्पॉइल करवाना चाहते हो तो वेलकम है आपका मेरी वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने कांतारा मूवी का क्लाइमैक्स रिक्रिएट करने की कैसे सोची। अभी मैंने मास्क क्यों लगा रखा है वो चलेगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये पता होगा कि वो जो चीज़ है ना जो क्लाइमैक्स में होती है वो एक्चुअल में एक रिलीजियस चीज़ है जो कि साउथ इंडिया में फॉलो होती है। तो अब जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि किसी भी वे में मैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दूं, या फिर किसी भी तरीके से मैं उस कल्चर को डिसरिस्पेक्ट ना कर दूं। और मानो ना मानो ये काफ़ी मुश्किल एस्पेक्ट था। तो अब जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंड में हीरो में ना गुलिका देवा एंटर हो जाते हैं, जो कि एक डेटी हैं और जो कि पोर्ट्रे होते हैं एज अ लैंड प्रोटेक्टर। तो जो भी लोग गांव वालों की ज़मीन को हड़पने आए होते हैं गुलिका देवा हीरो के बॉडी में एंटर होके उनको मार देते हैं। और ये जो सारा सीन होता है वो सीन होता है रात का। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले किसी वीडियो में बता रखा है कि रात को शूट करना मेरे लिए एक नाइटमेयर है। तो हम लोग सोच में पड़ गए कि किस किस तरीके से हम लोग रात को शूट करना पॉसिबल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस थे लाइट्स के। एक हमने गाड़ी की हेडलाइट जलाई और एक हमारे पास छोटी छोटी लाइट्स थी। और जो छोटी वाली लाइट्स है ना उनके लिए हमने मेरे घर से लेके नीचे तक एक इतनी लंबी एक्सटेंशन बनाई, फिर लाइट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करा, फिर भी वो बेयरली वहाँ तक पहुँच रही थी जहाँ तक हमने शूट करना था। तो इतनी लंबी तार होने के बावजूद भी वो लाइक वहाँ तक उतनी नहीं पहुँच पाई जितना हम लोग चाह रहे थे। बट जो की लाइट हमने सोची वो सोची हमने फायर। तो चार छोटे छोटे कॉर्नर्स पे आग थी और एक बीच में एक बड़ी बॉनफायर टाइप की आग थी जो कि एक की लाइट फीचर होने वाली थी। और अगर वो लाइट ना भी देती तो वो शेडो फिगर में आ जाता है तो वो भी इक्वली गुड लगता है। तो इन थ्योरी जो आग थी वो हमारा मेन एस्पेक्ट थी इस शूटिंग का, कि अगर ये शूटिंग पॉसिबल हुई तो वो उस आग की वजह से होगी। तो आग जलाने के लिए भी बहुत सारे पंगे करने पड़े हमें, लकड़ियाँ बहुत दूर दूर से ढो ढो के लानी पड़ी, फिर हमने उनके छोटे छोटे बॉनफायर टाइप स्ट्रक्चर्स बनाए पांच, और फिर उनको हमने सूखी घास थी उनसे कवर कर दिया। अच्छा प्रॉब्लम क्या हो गई ना छोटी सी, कि जिस दिन हमने शूटिंग करनी थी सैटरडे को करनी थी उससे एक दिन पहले हो गई बारिश, और जिस दिन शूटिंग करनी थी उस दिन भी 5 मिनट की ही सही बट ड्रिजलिंग हल्की सी हो गई थी। बट हम लोग ना उस टाइम पे बैक ऑफ नहीं कर सकते थे, उसका रीज़न मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो अब जब हमारा सेट ऑलमोस्ट रेडी था फिर हमने डिसाइड करना था कि जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा। तो स्टोरी इतनी सी सोची थी कि एक गुंडा है जो गांव वालों को आके उनकी पूजा के बीच में परेशान कर रहा होता है, और मैं वो मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा था उस टाइम पे कि मेरे अंदर गुली का देवा आ जाते हैं क्योंकि मैं डांसर होता हूँ और वो गुंडा मेरे को पहले ही मार चुका होता है। तो मेरे अंदर गुली का देवा आ जाते हैं और फिर मैं उस गुंडे को मार देता हूँ, क्योंकि अगर तुमने देखा है तो वो लास्ट का ना एक्चुअली में एक एक्शन सीन ही है, तो हमने भी एक छोटा सा एक्शन सीन बनाना था। तो अब एक्शन सीन के लिए भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कंप्लेंट करा है कि जब खून नहीं दिखता लड़ाई में ना तो वो मतलब किक नहीं मिलती है। तो इस बार हमने सोचा कि हाँ इसको गोरी बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने फेक ब्लड बनाया जिसमें थोड़े से पैसे लगते हैं, और वो भी हमने दो तीन तरीके का बनाया। एक फ्लो होने वाला ब्लड बनाया, एक जो है वो स्टिकी ब्लड बनाया जो कि लाइक थोड़े बहुत मांसपेशियों के साथ ऐसा लगे कि है और जो कि लाइक शूटिंग में इधर उधर कूदते हुए उतरेगा नहीं। फिर हमने एक रफ ब्लड बनाया, अगर किसी जैसे तलवार पे लगाना है, पत्थर पे लगाना है, ऐसे किसी जगह अगर वेस्ट होना है ब्लड तो वहाँ हम लोग वो वाला ब्लड लगा सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने करी, हमने बॉयल्ड नूडल्स ली, और प्लान ये था कि हमने उनमें अगर फूड कलर रेड कलर मिला दिया तो वो ऐसा लगेगा कि वो इंटेस्टाइन है, और अगर आप उसको एक पॉलिथीन में रैप कर दो और अगर उस पॉलिथीन को फाड़ो तो ऐसा लगता है कि आपने किसी के पेट में हाथ डाल के ऐसे किया। तो हाँ हमने इसके लिए भी सारा सामान इकट्ठा करा और हो गया सारा, मतलब अच्छे से हो गया था सामान इकट्ठा। फिर बारी आती है मेरी कि कैरेक्टर डिज़ाइन कैसा रहेगा, क्योंकि अगर वीडियो में देखोगे तो जो शिवा का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में
काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है, तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की होती है और वो मिट्टी में अपने आप को रगड़ लेता है, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। एंड फिर वो कट करके थोड़ी सी स्ट्राइप्स बना देते हैं, जो कि जब ये नृत्य होता है गुली गुला होता है तो जो डांसर होता है वो भी ऐसी ऐसी स्ट्राइप्स बनाता है। बट उस टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, और क्योंकि मे बी ऋषभ शेट्टी का कलर इतना ज़्यादा फेयर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लग रहा था अगर आप सिर्फ उनको थोड़ा सा डार्क कर दो तो। और हमारे पास कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे पूरी बॉडी को डार्क करा जा सके। तो जैसे कि एक्चुअल गुलिगा कोला में होता है ना, वो लोग पूरी बॉडी पे पेंट करते हैं, मेकअप भी वो पेंट से करते हैं, तो हमने भी यही डिसाइड करा कि मेरी भी लाइक अपर बॉडी पे पेंट करेंगे हम लोग सारा, और बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो एक्चुअल में वहाँ पर जैसा मेकअप होता है बिल्कुल वैसा सा हम लोग पेंट के थ्रू करेंगे। अच्छा, मैंने वो चीज़ बताई थी ना कि मैं किसी भी वे में किसी सेंटिमेंट को या कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने ये देखा है गुलिका कोला की वीडियोस में कि किसी भी डांसर के मुस्टैच या बियर्ड नहीं होती है, तो लाइक ऐसा रिस्क था कि अगर मैं बियर्ड रखता हूँ तो हो सकता है ये भी किसी वे में डिसरिस्पेक्टफुल हो, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वी डिसाइडेड कि मेरे को शेव कर लेनी चाहिए। तो हाँ, मैंने शेव कर ली और मैं काफ़ी अजीब लग रहा था, बट ओके, सो नाउ यू नो मैंने मास्क क्यों पहन रखा है। और मेरे को थोड़े से बाल भी बढ़ाने पड़े क्योंकि लाइक बाल अगर वो आगे आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा वाइल्ड नेचर लगता है जो कि कैमरे पे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैंने शेव करी, फिर हमने मेकअप करना स्टार्ट करा, पूरा पेंट लाइक मेरी यहाँ तक की बॉडी को, एब्डोमिनल तक मेरे ख्याल मेरे को पेंट करा, उसके ऊपर वाइट और रेड कलर से हमने स्ट्राइप्स बनाई, तो ब्लैक पेंट होके काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके लिए मेरे को कुछ दिन तक बाल ना धोने का सजेशन था ताकि बाल थोड़े से रफ़ हो जाएं और वो और भी ज़्यादा वाइल्डिश लगे। एक और चीज़ थी कि लाइक मैं पैरों में क्या पहनूंगा, क्योंकि हमें शूट करना था बाहर ग्राउंड में, और ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, कई बार छोटे छोटे जानवर थोड़े छोटे छोटे से सांप से जो भी कहते हैं उनको वो भी निकल आते हैं। तो हमने पहले पैडिंग करने का सोचा जो कि बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर हमने बाद में डिसाइड किया कि ओके, चार पांच ले अगर आप सॉक्स की पहन लो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा एज़ कम्पेरेटिव टू द पैडिंग थिंग। अच्छा हाँ, फन फैक्ट, जब कांतरा की शूटिंग शुरू होने वाली थी ना, तो एक महीना पहले से पूरी कास्ट ने, कास्ट भी नहीं पूरे क्रू ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। तो उसी से इंस्पायर होके हमने भी एक महीने पहले नॉनवेज सब बंद कर दिया था कि हाँ, जो जो शूटिंग में इन्वॉल्व होगा वो नो एग्स, नो चिकन, नो फिश, नो नथिंग। तो जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, उसके बाद हमने एक छोटी सी कोरियोग्राफी भी सोची जहाँ पर मैं किसी से लड़ रहा हूँ और एंड में हम उसको मार देते हैं एंड एवरीबडी लिव्स हैप्पीली। तो अब आता है दिन शूटिंग का, और इस टाइम तक ना हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दी थी, हमारा टाइम मनी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जो कि यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, बट हाँ इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली थी, जैसे ब्लड था जो कि कॉर्न स्टार्च और फूड कलर से बना था, वो नूडल्स थी, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आ चुकी थी, डीजल पेट्रोल था आग लगाने के लिए जो कि आ चुका था। तो अब इस टाइम पे ना हम लोग इसको और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते थे, जबकि हमें पता था कि हाँ एक दिन पहले बारिश हो चुकी है, सेम डे ड्रिजलिंग हो चुकी है, क्योंकि सैटरडे था एंड हमें भी कॉलेज जाना होता है यार, तो इसलिए हमने सोचा कि लेट्स गो विद इट, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं पूरा मेकअप वेकअप करता हूँ और हम लोग नीचे उतरते हैं, तब तक मेरे फ्रेंड्स ने सब ने जो सारी सेटिंग थी वो कर ली थी, कैमरा अभिषेक संभालने वाला था, तो गाड़ी की लाइट्स ऑन होती हैं, जो छोटी वाली लाइट्स हैं वो ऑन होती हैं, और अब सब कुछ डिपेंड करता था उस आग पे, और वो आग नहीं जली।
थोड़ा सा ना बचा लियो, एक दो बुक, एक दो बुक। इसको ना देख, गोला बना के बड़ा सा बीच में डाल देंगे, काफी टाइम से चल रहा है। लाइक हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पेपर, सूखी लकड़ियाँ, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एवरीथिंग। बट आग नहीं जली। वी डिसाइडेड कि जो चारों छोटी छोटी आग हैं उनको एक ही में कर देते हैं एंड बस इस वीडियो को शूट करते हैं किसी भी तरीके से। बट वो सारी चीज़ें करने के बाद भी वो आग नहीं जली। बहुत दुख हुआ था मेरे को, बहुत ज़्यादा। लाइक इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी, उस कैरेक्टर में घुसना, उसके घुसने के लिए इतना सब कुछ प्रिपेयर करना मेंटली, और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो अब जब ये नहीं ही हुआ तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखो, ज़िंदगी में कई बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, जो जो हमने सोचा होता है बस वो छोड़ के बाकी सब कुछ हो जाता है, और ऐसे सिनेरियो में हम लोग सिचुएशन को ब्लेम कर देते हैं। बट मैंने सोचा कि यार, अगर मैं अपने अच्छी वाली जो बनी हुई वीडियोस हैं अगर वो डालता हूँ तो क्यों ना जब मैं फेल हुआ हूँ तो वो वाला एक्सपीरियंस भी मेरे को सबको बताना चाहिए ना। अब हाँ, थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, थोड़ा सा बुरा तो लगा, बट वी लर्नड अ लॉट। मुझे ये नहीं पता कि हम लोग इस चीज़ को कभी आगे ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, बट हमें एक चीज़ तो सीखने को मिल गई है कि सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में नहीं रहती है और आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। बट इन द एंड जब वो नहीं जली तो हमने सोचा कि थोड़ी सी जो लाइट्स हैं हमारे पास उनमें एक वीडियो छोटी सी और कुछ फ़ोटोज़ हम लोग खींच लेते हैं, तो वो सारी ये रही। और बस इतना ही है मेरे पास दिखाने को, क्योंकि कुछ और नहीं बन पाया और हम लोग वहाँ इतना ही कर पाए। तो हाँ, वी फेल्ड बट वी लर्नड, एंड आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।